स्ट्रगल इज रियल, आई एम नॉट इवन किडिंग. गॉड ये नहीं खुल रहा है, एंड खुल जाओ. वाओ फाइनली वाओ. कैन यू सी दैट यू गाइज? एंड इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो सिलिकॉन के हैं, एंड ऐसे ये हैंडल. ओके, time for the reality check. Hello you beautiful people, if you are new to my channel, hi, I'm Sonam and I make makeup, skincare and lifestyle videos. ये जो video है वो बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाली है, because मैंने कुछ ऐसे viral products खरीदे हैं Amazon से जो आपको हर जगह दिख रहे होंगे. Like अगर आप YouTube खोल रहे हो, आप Instagram खोल रहे हो, आप Facebook खोल रहे हो, कोई ना कोई इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर बात कर रहा है. अगर ये वायरल हुए हैं तो सच में इनके पीछे कुछ तगड़ा कारण है या फिर ऐसी गिमिकी प्रोडक्ट है. इफ यू आर एक्साइटेड टू फाइंड आउट अबाउट दीज वायरल प्रोडक्ट्स, आउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. वायरल प्रोडक्ट है ना ये, मतलब काफी टाइम से इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं. मैं उन कुछ लोगों में हूँ जो इसको बहुत लेट ट्राई कर रहा है. एंड दिस इज अ आइस रोलर, एंड दिस इज अ सिलिकॉन आइस रोलर. आई एम श्योर आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना ही सुना होगा. जस्ट फाइंड आउट ये कितना वर्थ हाइप है. पता है दिस इज अ सिलिकॉन बॉटल काइंड ऑफ थिंग जिसके अंदर आप पानी फिल करते हो. यहां से यहां पे आप देख सकते हो ऐसे नॉब टाइप का दे रखा. आप इसको ओपन करोगे एंड आप यहां से पानी इसमें फिल करोगे एंड आपको इसको फ्रीज करना है. जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इसको इजीली पकड़ रखा है और अभी ठंड भी है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसको कैरी करने में. Years later. Finally, it's not perfect shape aaya na, it's looking like a crystal. Let's just find out na ki actual mein kya kya karta hai. So wow, I can't stop using this. This feels like heaven in a bottle. मज़ा आ रहा है यार. No wonder ये इतना viral हुआ है. It's so convenient you guys. It's so convenient. Eyes वगैरह भी इससे अच्छे से कर सकते हो आप. Deep puff. Wow, I can't stop using this. This is like a therapy. बस ये है इसको सिंक के ऊपर करना ना, बिकॉज इसमें से पानी ऑफ कोर्स निकलेगा, बट इसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं. आई वुड गिव अ बिग फैट थम्स अप टू दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ गॉर्जियस इन्वेंशन, बहुत ही अच्छा है. नो वंडर रिसेंटली केंडल जेनर ने भी इसको अप्रिशिएट किया. यू आर हैविंग अ सोलन फेस प्रॉब्लम, आपके फेस में भी सूजन होती है और आप भी उठते हो और आंख ऐसे फूली फूली रहती है, फेस फूला फूला रहता है. ऑफकोर्स वी ऑल नो आइस हमारे फेस के लिए कितना ज्यादा अच्छा है. वेरी कन्वीनियंट to use, to be very honest, so I would give a big fat thumbs up to this product. So जो मेरा अगला viral product है ना, I'm sure अगर आप beauty channel follow करते हो, अगर आप किसी makeup influencer को follow करते हो तो जरूर इस product के बारे में उसने आपसे बात की होगी. And this is a triangle powder puff. आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा viral जा रहा था. ये दो के set में आता. So guys मैंने already अपना base set कर लिया, like foundation and concealer लगा लिया है. And इसके viral होने का reason ये था ना कि ये बहुत अच्छे तरीके से आपके अंडर आई एरिया को सेट कर देता है. इसे पाउडर अप्लाई करोगे तो जो क्रीजिंग होती है ना ऐसे लाइन पड़ जाती है वो नहीं पड़ेगी, ऐसा क्लेम किया जा रहा है. सो आई एम जस्ट गोना डू वन थिंग. एक साइड मैं इससे अप्लाई करती हूँ पाउडर और एक साइड मैं ब्रश से अप्लाई करूंगी. एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट इस बात में कितनी सच्चाई है. आई एम गोना टेक दिस लूज पाउडर. वैसे इसका शेप ऐसा है ना कि डेफिनेटली इनर कॉर्नर वगैरह में तो अच्छे से लग जाएगा. जो ब्रश और इधर निकाल लेते हैं यार. सो मोमेंट ऑफ द ट्रूथ, ये ऑलरेडी मेरे कंसीलर क्रीज करना शुरू कर गया है. ओके, तो एक साइड मैंने इसे अप्लाई कर लिया और एक साइड मैं ब्रश से अप्लाई करके देखती हूँ. एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट विच वन, विच साइड इज द बेटर वन. सो इधर मैंने ब्रश में ले लिया है पाउडर. आई होप यू गाइज कैन सी. इस साइड मैंने वो पाउडर पफ यूज किया था
एंड ये वाला जो एरिया है इसको मैंने अपने ब्रश से सेट किया था एंड यू कैन सी द डिफरेंस, ये साइड कितना ज़्यादा स्मूथ है एंड इस साइड में क्रीजिंग बहुत ज़्यादा हुई है। मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखा रही हूँ जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाए। दिस इज लाइक द परफेक्ट, ये लाइक वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेटर टू अप्लाई योर लूज पाउडर आई मस्ट से, बिकॉज मेरे अंडर आई के नीचे इससे यूज करने से ना बहुत कम क्रीजिंग हुई है। सो या आई वुड गिव अ बिग थम्स अप टू दिस प्रोडक्ट कि ये सच में काम कर रहा है। फॉरवर्ड जो मेरा अगला प्रोडक्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैं बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हुए देख रही थी एंड दिस इज अ हेयर स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश। आई एम श्योर आपने भी इसके बारे में सुना होगा मेरी ही तरह। ये कुछ इस तरीके का दिखता है यू गाइज एंड इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो सिलिकॉन के हैं एंड ऐसे ये हैंडल टाइप का यहाँ पे दे रखा है पकड़ने के लिए। एंड जरा पढ़ लेते हैं ये क्लेम क्या करता है। तो लिखा है स्कैल्प मसाजर वॉश इज एन ईजी वे टू डीप क्लेंस एंड एक्सफोलिएट योर स्कैल्प फॉर रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। ओके, तो बेसिकली इसका क्लेम ये है कि जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आप जब शैम्पू लगाओगे देन अगर आप इससे मसाज करोगे तो ये बेनिफिट्स होंगे इसके। एंड मेरे जो बाल है ना इसका वॉल्यूम बहुत कम है, लाइक मैंने इसको यूज़ किया क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे शैम्पू करके तो नहीं दिखा सकती, मतलब अभी मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मैं ऐसे दिखाऊं, इसलिए मैंने यूज़ किया, इसलिए मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। आई डिडंट लाइक दिस वन, मतलब इसका जो क्लेम है ना मेरे को यूजलेस लगा। पहली बात ये इतना सॉफ्ट नहीं है, आई डिडंट फाइंड इट वेरी यूजफुल बिकॉज ये हम अपनी उंगलियों से भी कर सकते हैं एंड ऐसा कुछ रिलीफ वगैरह वाला कुछ भी मेरे को फील नहीं हुआ। मेरे बालों के लिए तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसको आप ड्राई हेयर में भी नहीं यूज़ कर सकते, अगर आपके बाल सूखे हैं ना तो गलती से इसको लगा मत लेना। अगर आपके बालों की वॉल्यूम कम है ना तो आई वुड से कि आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो लाइक मी। मैं डेफिनेटली इसको किसी ऐसे को दूंगी अपनी फैमिली मेम्बर को जिसके बाल ज़्यादा हैं मेरे लिए तो ये इज अ थम्स डाउन फॉर मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मेरा अगला वायरल प्रोडक्ट है ना, अगर ये सच में बहुत द हाइप है लाइक ये सच में काम करता है ना तो मेरी लाइफ बहुत आसान होने वाली है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थरिदम मेकअप रिमूवर क्लिनजिंग पैड। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना ही सुना होगा एंड ये दो के सेट में आता है यू कैन सी एंड मैंने इसको अभी तक नहीं यूज़ किया है एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। लेट जस्ट फाइंड आउट ये कितना बहुत द हाइप है। सबसे पहले बालों को पीछे कर लेते हैं ना एंड देन विल फाइंड आउट प्रोडक्ट कितना काम कर रहा है। तो मैंने इसको ना अच्छे से वेट कर लिया, अच्छे से गीला कर लिया एंड नाउ टाइम फॉर द रियलिटी चेक। एंड मैंने ये जो ना फेसेस कनाडा की लिपस्टिक लगा रखी है जो इतनी इजीली नहीं निकलती है, लेट्स जस्ट फाइंड आउट ये कितना काम करता है। ओह माय गॉड, वाओ, वाओ, कैन यू सी दैट। मतलब मैंने सिर्फ पानी लगाया, इस साइड का मेकअप है और इस साइड का मेकअप इसने कंप्लीटली निकाल दिया लाइक विदाउट एनी एफर्ट एंड दिस इज वेरी काइंड टू स्किन। हाँ बहुत सॉफ्ट है ये, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड ओ माई गॉड जस्ट वाटर, इट्स जस्ट वाटर मैंने पानी के अंदर डाला है एंड मेरा मेकअप इसने कम्प्लीटली निकाल दिया है। वाओ वाओ, फेस इज स्क्वीकी क्लीन, यू कैन सी इट ऑल रेड। अर्थरिदम ने ये इस प्रोडक्ट के साथ ना कमाल ही कर दिया है। I absolutely love this one and the best part is these are reusable and 300 बार तक यूज़ कर सकते हो, लाइक 300 टाइम्स, 200 वॉशेस तक ये लास्ट करता है। लाइक इसको आप 200 बार धुलोगे ना तब तब तक ये खराब नहीं होगा। वॉश एंड रीयूज, ओह माय गॉड,
what else do you need? So I would give a big fat thumbs up to this one. Definitely a must guys, buy. That was it for today's video. I hope you really like this one. Agar aapko is type ke videos dekhna pasand hai, then do let me know in the comment section. Agla product main kaun sa try karu. And thank you so much for watching, guys. And if you like this one, don't forget to like, share, and subscribe. And stay tuned for my next video, guys. Till then, take care. Bye bye. I love you.